खुशबू की रसोई में स्वागत है फ्रेंड आपका। तो देख सकते हैं आज मैं मैगी बना रही हूँ। तो गर्म पानी में मैंने मैगी मसाले के साथ डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। तो मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, मुझे समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं मैगी ही बना लूँ। तो ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है इस मैगी में, बस गर्म पानी करना है और मैगी डाल के मसाला पैकेट डाल देना है और नमक डाल देना हल्का सा, तो मेरी मैगी बनके तैयार हो गई। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये। और यहाँ साथ में मेरे को कुछ कुरकुरा खाने का मन था, तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। और ये देख सकते हैं बाजार से मैंने रंग बिरंग के पापड़ ले आई हूँ। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें अब मैं पापड़ डाल के भूज लूँगी, जिसे मैं खाने वाली हूँ ब्लैक टी के साथ। तो ब्लैक टी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये पापड़, तो आप भी बाज़ार से लेके आइए और बनाइए। बस ऑयल हमारा गर्म हो गया था, मैंने डाल दिया इसमें, और ये एक मिनट में ही सारे पापड़ तल जाते हैं अच्छे से। और हाई फ्लेम रखना है आपको। तो ये हमारा तल चुका है, अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर पापड़ है हमारा। तो मैगी के ऊपर मैंने सॉस डाल दिया था, टमाटो सॉस, और यहाँ पर ब्लैक टी है। और ये हमारा नाश्ता हो गया फ्रेंड। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब